हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में सोमवार से अनलॉक शुरू हो गया है और लापरवाही भी बढ़ती जा रही लोगों की। इस बीच महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस बार बकरीद का त्यौहार धूमधाम से मनाने की मांग हो रही है। भिवंडी से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर इस साल ईद उल अजा यानी कि बकरी ईद की पहले की तरह धूमधाम से मनाने की इजाजत मांगी है और अपनी मांग को जायज ठहराते हुए रईस शेख ने तर्क दिया है कि राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और इसी वजह से सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की है। आपको दिखाते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने अपनी चिट्ठी को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए क्या लिखा। हर मुस्लिम के लिए ईद उल फितर और ईद उल अजा यानी बकरीद बहुत पाक मौका होता है। पिछले 2 साल में COVID-19 के कारण ठीक से ईद नहीं मनाई जा सकी है। ईद उल अजा जुलाई में आ रहा है और मैं मुख्यमंत्री से समुदाय को इस पवित्र दिन को मनाने की अनुमति देने का आग्रह करता हूं। शहर एक अनलॉक प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है और समारोह सुरक्षित और जिम्मेदारी से राज्य द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के साथ आयोजित किए जाएंगे। समुदाय की ओर से मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि ईद उल अजा के शुभ अवसर के दौरान सभी गतिविधियों की अनुमति हो। यह सही है कि कुछ दिनों पहले तक महाराष्ट्र देश का कोरोना एपिसेंटर रहा, लेकिन हाल के दिनों में वहां कोरोना के केस में भारी कमी आई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो वहां 10,691 केस सामने आए हैं, जबकि 16,577 मरीज रिकवर हुए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि वहां अब भी 1,67,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। उद्धव ठाकरे सरकार ने अनलॉक के तहत मंदिरों के साथ साथ दरगाह को भी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है, लेकिन कोरोना के बीच पहले की तरह धूमधाम से त्यौहार मनाने की मांग कितनी जायज है, ये बड़ा सवाल है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।